अब आपको भारी बारिश की चार तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के अलर्ट के बीच रानीखेत क्षेत्र में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा बारिश से मौसम ने करवट ली है, तो तपती गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। वहीं वन विभाग को जंगलों में लग रही आग से भी राहत मिली। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं और जनता को पानी की समस्या से निजात भी मिली है। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच पौड़ी में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही बारिश ने लोगों को राहत दी है, तो वहीं बढ़ती गर्मी के बाद मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि अभी और एक दो दिन ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। रुड़की में भी मौसम का मिजाज बदल गया है, यहाँ आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। और इसी बीच बड़ी खबर है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचे अब तक रिकॉर्ड यात्री, कुल 3,753 यात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यमुनोत्री धाम में 1,27,617 यात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गंगोत्री धाम में 1,73,136 श्रद्धालु पहुंच गए हैं। ये डेटा है कि अभी तक का डेटा है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अभी तक कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं देखिए, यह आंकड़ा भी आपके सामने, 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर अभी तक पहुंच चुके हैं दोनों ही धामों में, और अभी भी लगातार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ रुक कर रहे हैं। और आपको दिखाते हैं केदार धाम की तस्वीरें, जहां की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं क्योंकि यहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। देखिए तस्वीर आपके सामने है, केदार यात्रा के बीच बर्फबारी और बारिश के वजह से ये तस्वीरें यहां से सामने आई हैं। बारिश के बावजूद लाइन में लगकर भक्त दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी, ठंड पर आस्था किस तरीके से भारी है, आस्था किस तरीके से ऊपर है, ये तस्वीरें बता रही हैं। ठंड जबरदस्त है, मौसम में तब्दीली है, बारिश है, बर्फबारी का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बीच में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। लाइन में लगने के लिए हम एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो लोग लाइन में लगे हैं उनका संख्या कम की जा सके। लोगों को खुद से पता हो कि टोकन मिल जाए उनको पहले ही, और बाद में उनको पता हो कि इस समय के बीच में उनका टोकन आ सकता है, तो अपने आप लाइन में छोटी हो सकती है उसको करने का प्रयास कर सके, ताकि जो आसपास के दुकानदार हैं जो लाइन के आसपास के दुकान हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि शेड वेड्स बना दिया जाए ताकि लोग वहाँ पर बैठ सकें, और ओवरऑल एक रेन शेल्टर और दोनों साइड रेन शेल्टर्स का निर्माण भी हमारा जरूर है। देखिए केदारधाम में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ रविवार को भी 2 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। आपको बता दें कि 6 मई से केदारधाम में कपाट खुले थे, उसके बाद विधिवत रूप से यात्रा की शुरुआत हुई थी। कपाट खुलने के बाद से 6 मई से लेकर के अब तक देखिए 28 श्रद्धालुओं की मौत यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ मौसम की लगातार तब्दीली जारी है और जिस वजह से तीर्थ यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम लगातार बदल रहा है और अधिक ऊंचाई होने की वजह से भी तमाम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर रोक लगी रही, मगर इस बार कांवड़ यात्रा चारधाम की ही तरह संचालित की जाएगी, जिसके संकेत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए। साल बाद धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर से भगवा रंग में रंगने जा रही है। सरकार ने चारधाम यात्रा की ही तरह से कांवड़ यात्रा को भी सुचारू रूप से कराने की तैयारी कर ली है। अभी कुछ रोज पहले ही हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम धामी ने कांवड़ को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कांवड़ की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस बार जो हम लोगों का अपना अनुमान है, जैसे पिछले दिनों भी कुछ धार्मिक पर्वों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का आगमन हुआ है, या हम लोग चारधाम यात्रा में देख रहे हैं, उससे देख के लगता है कि इस बार होने वाली कांवड़ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। सभी हमने अपने लाइन डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए थे कि कांवड़ के जो भी संभावित हमारे रूट हैं या जो हमारे पहले से चले आ रहे रूट हैं, चाहे वो नहर की पटरी का रूट हो, और इस बार तो संभावना ये भी है कि हमारा ये 4 लेन बन गया है नारसन बॉर्डर से लेकर यहाँ तक का हरिद्वार तक का, उस पर भी कांवड़ चलेगी। भगवानपुर से आने वाला रास्ता देहरादून से, तो इन सभी रास्तों का हमने उनको निर्देश दिया था कि आप लोग भौतिक रूप से सत्यापन कर लें। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से संचालित होगी, इसलिए यात्रा पर भीड़ भी काफी रहने की उम्मीद है। यही वजह है कि पुलिस की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांवड़ में हम जून में
जून में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको और मतलब इसको स्ट्रीमलाइन हो गई है पूरी तरह से चार धाम। फिर भी एक बार ये आप जान ही रहे हैं, आज से ये वाले लोग जो हमारा हेमकुंड साहब यात्रा भी शुरू हो रही है, तो ये सब और व्यवस्थित हो जाए, हम जून में कांवड़ की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इंटरस्टेट की ऑफिसर्स की मीटिंग भी करेंगे पुलिस वालों की, और उस पर भी हमारा ध्यान है। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह रहता है। पिछले कुछ साल के दौरान ही कांवड़ यात्रा पर आने वाली कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। महज कुछ ही दिन के भीतर लाखों की संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंच जाते हैं। दो साल के इंतजार के बाद तो कांवड़ियों में इस यात्रा को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है, जिसके लिए पहले से ही तैयारियां करना जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंद्रा के साथ, हरिद्वार से रोहिश सिखौला की रिपोर्ट।